हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल 2023 के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का एक आर्टिकल है, इंटरनल सिक्योरिटी का एक आर्टिकल है। आप अपना जब GS3 का सिलेबस उठाएंगे तो ऑफकोर्स आप उसमें एक इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन को कवर करेंगे। उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। वाई छत्तीसगढ़, वाई नाउ, आप जानते हैं ये न्यूज़ क्या है, बट जस्ट यू नो लेट्स जस्ट रीड इट। आप जानते हैं जो छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के पर्सनल हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के पर्सनल और एक सिविलियन ड्राइवर की जो उनके व्हीकल को ड्राइव कर रहे थे, मौत हो गई है। किसमें? एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED अटैक में बाय माओइस्ट इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये न्यूज है और आप जानते हैं। ओके, अब देखिए, केवल 2 ही साल बाद हुई है जब अप्रैल 2021 में भी इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, ऑफ कोर्स बाय माओइस्ट ओनली, अगेन इन छत्तीसगढ़ ओनली, छत्तीसगढ़'स बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, इन विच 22 सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड। ओके, तो अब देखिए, क्वेश्चन ये है, छत्तीसगढ़ ही क्यों? आप देखते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर बहुत बार इस तरह की जब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं सिक्योरिटी पे या पुलिस पर्सनल की, तो ही रियली इज वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट के नक्सलिज्म इज गोइंग डाउन इन इंडिया। बहुत ही कम जगहें ऐसी बची है जहाँ पे माओइस्ट अटैक अब होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जो आउटलायर है। यहाँ पे आज भी बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में माओइज्म एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्या रीजन है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और यही देखिए, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन यही आएगा, ऑल्दो इन द रीसेंट ईयर्स और इन द लास्ट डेकेड वी हैव सीन नक्सलिज्म और माओइज्म गोइंग डाउन और नक्सलाइट अटैक्स गोइंग डाउन, बट सम रीजन्स आर आउटलायर्स, यानी कि कहीं रीजन्स में हम यूजुअली अभी भी वही ट्रेंड देख रहे हैं। तो ऑफकोर्स इस तरह के क्वेश्चन का क्वेश्चन वुड ऑफकोर्स बी बेटर फ्रेम्ड। मैंने तो बस ऐसे ही आपको बताया है कि क्वेश्चन का जिस्ट क्या है, लेकिन फिर जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहली बात तो आप मैप ड्रॉ करेंगे कि अच्छा देखिए, पहले जो आज से 10 साल पहले मैप ये था, आज का मैप ये है, कि पहले रेड वहाँ पे रेड रेड ड्रॉ कर दीजिएगा कि देखिए इतनी भारी मात्रा में इतनी सारी स्टेट्स में नक्सलाइट अटैक्स हुआ करते थे और आज देखिए इट इज कम डाउन, है ना। तो फिर ऐसे दो मैप्स को कंपेयर करके बता दिया, लेकिन फिर आप छत्तीसगढ़ पे आएंगे, इस रीसेंट इंसिडेंट के बारे में लिखेंगे और बताएंगे कि ऐसा क्यों, कई रीजन में ही क्यों। अभी रिसेंटली हमने आई थिंक 3-4 महीने पहले की ये न्यूज़ है, तो हमने ये भी देखा था कि कैसे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक रीजन है, वहां पे भी नक्सलाइट्स हैव गॉन देयर। तो क्योंकि जो पहले उनके रीजन थे वहां से उनको भगा दिया गया, राइट, तो वो दे वुड गो समवेयर एंड देन दे गेट टू द प्लेसेस जो आज भी जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद नहीं हैं या जो जंगल्स हैं, तो अब उन्होंने नई प्लेसेस को अपना लिया है, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट्स आर कैरिड आउट। Why have the Maoists carried out this attack at this time? अब देखिए, अप्रैल ही क्यों, जब मैं आपको कह रही हूँ कि आज से 2 साल पहले भी अप्रैल में ही ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ था और छत्तीसगढ़ में ही हुआ था, अब भी अप्रैल ही है और छत्तीसगढ़ ही है, क्यों ऐसा? तो देखिए, जो टाइमिंग है वो बिल्कुल फिट है माओइस्ट स्ट्रैटेजी के लिए। माओइस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, आप जानते हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन्स, TCOCs। तो ये जो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन्स हैं, उसके लिए अप्रैल एक बहुत ही एप्ट महीना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ लिखा है, एवरी ईयर बिटवीन फेब्रुअरी एंड जून, मतलब फेब्रुअरी से जून का जो समय है वो बहुत ही ऑप्टिमल समय है माओइस्ट के लिए अपनी इन तरह के टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन्स को कैरी आउट करने के लिए। ओके, और इसी समय के दौरान हमने मैक्सिमम कैजुअलिटीज आज तक सिक्योरिटी फोर्सेज की भी देखी है नक्सलाइट अटैक्स में या माओइस्ट अटैक्स में। क्यों यही टाइम चूज किया जाता है माओइस्ट द्वारा? क्योंकि हमें बेसिकली मानसून से पहले पहले, यानी कि जुलाई से पहले, अपने इन ऑफेंसिव कैंपेन्स को या इन अटैक्स को कैरी आउट करना होता है।
क्योंकि जब मॉनसून आ जाएगा तो इस तरह के ऑफेंसिव ऑपरेशंस को जंगल्स में कंडक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि नालाज आर ओवरफ्लोइंग, दे कांट बी क्रॉस्ड, बहुत ही टॉल ग्रासेस हो जाती हैं, शर्ब्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो विजिबिलिटी गेट्स रिड्यूस्ड, और बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेन्स हैं जब, तो माओइस्ट्स के लिए भी और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी वहाँ मौजूद रहना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है जंगल्स में. एंड बोथ ऑफ देम रिटर्न बैक टू देयर कैंप्स. वो माओइस्ट अपने कैंप में चले जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज अपने कैंप में. तो सिक्योरिटी फोर्सेज जब वहाँ मौजूद ही नहीं है तो माओइस्ट क्या करेंगे आके वहां पे, अगर हम इस तरह से भी देखें तो. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए ऑलमोस्ट. और देखिए, जब आप अपना वो आंसर लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उसमें, आपसे ऑल्दो पूछा गया है कि कहीं जगहें आज भी, कहीं रीजन्स आज भी आउटलायर्स हैं, तो आप ऑफकोर्स रीजन्स तो बताएंगे ही, है ना, लेकिन साथ ही में आप ये भी बताएंगे रीजन्स में भी कुछ स्पेसिफिसिटीज हैं. रीजन में भी जैसे फेब्रवरी से जून का महीना प्री मानसून महीने ज्यादा फेवरेबल हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ठीक है, तो गो दैट स्पेसिफिक. दिस ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली पता है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और ये ट्रेंड है तो क्यों है. मे बी आपके इंटरव्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मतलब जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा पढ़ना क्या पसंद है, तो आप कहेंगे हमें इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर या पॉलिटी या कुछ भी, तो फिर आपसे ये सारी, क्योंकि ये रीसेंट चीजें हैं, तो आपसे पूछा जाएगा अप्रैल ही क्यों, छत्तीसगढ़ ही क्यों, है ना. तो लेट्स सी. ऑलमोस्ट ऑल मेजर अटैक्स बाय माओइस्ट ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें हम 2010 का एक चिंतलनार जो मैसेकर हुआ था जिसमें 76 CRPF पर्सनल की जान गई थी, वो भी इसी TCOC पीरियड यानी कि फरवरी से जून के पीरियड में होता है, प्री मानसून मंथ्स में. अब इस साल भी हमने देखा है अप्रैल 15 तक का अगर हम काउंट देखें तो माओइस्ट हैड कैरिड आउट 34 IED अटैक्स इन बस्तर. ओके, तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल रही है. वॉट इज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सिचुएशन इन द कंट्री नाउ? एज आई जस्ट सेड, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज गॉन डाउन. माओइस्ट इन्फ्लुएंस और उनका जो देखिए माओइज्म का मतलब क्या है, ये एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसमें बेसिकली देखिए क्या होता है, हम ये कहते हैं कि स्टेट, आप पुअर लोगों को ये बताएंगे कि जो स्टेट है वो आपकी दुश्मन है, है ना. देखिए आप गरीब हैं क्योंकि स्टेट आपके लिए कुछ नहीं करती, वो सिर्फ अमीरों की है, वो सिर्फ कैपिटलिस्ट की है. आप यहाँ अपनी हालत देखिए जिसमें आप रह रहे हैं, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास जॉब्स नहीं है. क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ही सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब आपकी दुश्मन स्टेट है. तो फिर आप क्या करें, सोल्यूशन ये है कि वॉयलेंस, हथियार उठाइए, हथियार उठा के स्टेट को ही गिरा दीजिए. ओवरथ्रो ऑफ स्टेट बाय वॉयलेंस, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक बेसिक फंडा है. ओके, तो अब ये जो ये इन्फ्लुएंस है, जो ये मैंने आपको आइडियोलॉजी बताई, ये क्या टेनेट्स है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, अब इसकी अट्रैक्टिवनेस कम होती जा रही है भारत में, और ये आप जानते हैं. ठीक है, क्यों? पहली बात तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैव रियली यू नो अप्ड द एंडे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस पे, उन्होंने कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है माओइस्ट, तो प्रैक्टिकली वो भी हुआ है. साथ ही में जो सरकार है, सरकार की आउटरीच बढ़ गई है आम लोगों के लिए, जो रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, आज उनके पास हर फैसिलिटी पहुँचाई जा रही है. अगर हम बात करें तो इंटरनेट हर छोटी छोटी जगहों पर पहुँच गया है, बहुत दूर दूर जगहों पर आज राशन है, सब कुछ है. तो वो जो सरकार और आम जनता के बीच में गैप है वो ब्रिज हो रहा है. साथ ही में सिविक एमिनिटीज के साथ साथ रोड्स पहुंच गई है इंटीरियर्स में टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. तो एक ये भी चीज हो गई है. साथ ही में सबसे बड़ी बात, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है वो अब यूथ को अट्रैक्ट नहीं करती, और जब तक एक आइडियोलॉजी यूथ को अट्रैक्ट नहीं कर रही तो फिर आपका सपोर्ट बेस कहाँ से आएगा? ये वायलेंस करेगा कौन? वो तो यूथ ही चाहिए ना उसके लिए. तो दैट ऑफकोर्स हैज हैपेंड इन इंडिया. ओके, अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री, माओइस्ट वायलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, माओइस्ट वायलेंस इज डाउन बाय 77%. मैंने आपको बताया कि आपसे 10 साल या ऐसे कुछ 20 साल का ट्रेंड पूछा जाएगा, तो आप सिंस 2010 का बता दीजिए. जैसे कि होम मिनिस्टर हमारे बहुत बार डेटा बताते हैं, पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली जब सेशन कंडक्ट किया गया तो ये डेटा भी कोट किया गया कि 2010 से लेके अभी तक 77% डिक्लाइन देखा है हमने माओइस्ट वायलेंस में, और जो रिजल्टेंट डेथ्स हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की या सिविलियंस की, दे टू हैव कम डाउन बाय 90%. ओके, 90% किसके कंपैरिजन में? 2010 के कंपैरिजन में. 2010 में इट वाज 1005, आज 2022 की अगर हम बात करें इट इज 98. सो ऑफकोर्स, लेकिन
बेस्ट सिनारियो क्या है कि एक भी किसी की जान ना जाए, एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव टू वर्क फॉर दैट. द गवर्नमेंट हैज कट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स डेजिग्नेट. और साथ ही में देखिए, जैसे हम आफ्सपा की बात करते हैं, तो जब हम कह रहे हैं कि इस तरह का माओइस्ट आइडियोलॉजी या जो नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म या कुछ भी अगर नीचे जा रहा है ना, तो वो इस वजह से. और उसका एविडेंस क्या है कि हम हर जगह से आफ्सपा हटाते जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारे रीजन्स नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ अब आफ्सपा एग्जिस्ट नहीं करता. वो इसलिए नहीं करता क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, और ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर नक्सलिस्ट या माओइस्ट इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया है. तो वैसे ही जब हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार ने जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे वो ही कम कर दिए हैं, दे आर 90, और अगर हम अर्ली 2000s की बात करें तो 200 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे. तो एविडेंस है ना ये कि नक्सलिज्म एंड द एसोसिएटेड वायलेंस इज डेफिनेटली गॉन डाउन. ओके, एंड सेज दैट द वायलेंट इंसिडेंट्स हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ओनली 45 डिस्ट्रिक्ट. अगर हम इन 90 में से भी सिर्फ हाफ अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, यानी कि 45 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी एक्टिव वायलेंस है, बाकी 45 डिस्ट्रिक्ट में इनएक्टिव या डोरमेंट स्टेज में है अभी नक्सलाइट मूवमेंट. ओके, ऑल्सो 90% ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस इज कंसेंट्रेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट, 90% जो इस तरह की वायलेंस है केवल 25 डिस्ट्रिक्ट में भारत के कंसेंट्रेटेड है. और साथ ही में अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है नक्सल प्रेजेंस. ओके, तो ये सब कुछ हमें होम मिनिस्ट्री का डेटा बताता है. अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या सिचुएशन है. इट इज दी ओनली स्टेट जहाँ पे माओइस्ट कंटिन्यू टू हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एंड रिटेन द केपेबिलिटी टू माउंट बिग अटैक्स. ना ही केवल इनकी सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन या प्रेजेंस है, बल्कि जिस तरह के अटैक्स और जिस एफिशिएंसी से और जो केपेबिलिटी है बड़े बड़े अटैक्स कंडक्ट करने की. बड़े अटैक्स का मतलब है जिसमें लोगों की जान जाए. सिक्योरिटी पर्सनल जितना बड़ा काउंट है इनके लिए उतनी बड़ी अचीवमेंट होती है, विच इज वेरी सैड, बट दिस इज हाउ दे यू नो मेजर देयर सक्सेस. तो इनमें आज भी वो कैपेबिलिटी है जो छत्तीसगढ़ में माओइस्ट प्रेजेंट है. अगर हम गवर्नमेंट का ही डेटा देखें, विच वॉज प्रोवाइडेड टू द पार्लियामेंट वेरी रिसेंटली, पिछले 5 सालों में यानी कि 2018 से 2022 में 1132 वायलेंट इंसिडेंट्स वर परपिट्रेटेड बाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इन विच 168 सिक्योरिटी फोर्सेज पर्सनल एंड 335 सिविलियंस लॉस्ट देयर लाइव. ये हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं. और यू नो छत्तीसगढ़ अकाउंटेड फॉर मोर देन अ थर्ड ऑफ ऑल माओइस्ट, मतलब 1/3 ऑफ ऑल माओइस्ट रिलेटेड वायलेंस जो इस पीरियड में हुई है 2018 से 2022 के बीच में. अब देखिए एक करेक्शन है यहाँ पे, मैंने बोला कि पिछले 5 सालों में, हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं, हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं. दो आई अगेन रिपीट, 2018 से लेके 2022 के बीच में 1132 वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, जिसमें 168 सिक्योरिटी पर्सनल की और 335 सिविलियंस की जान गई है. और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 1/3 ऑफ ऑल माओइस्ट रिलेटेड वायलेंस इन दिस पीरियड, दिस 5-year पीरियड इज ऑफकोर्स डेडिकेटेड टू छत्तीसगढ़. और लेकिन इनका है तो 1/3 यू नो जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें, लेकिन जो डेथ्स का शेयर है वो बहुत ज़्यादा है. और मैंने वही बताया ना, एफिशिएंसी, जितना बड़ा काउंट ऑफ डेथ उतनी बड़ी एफिशिएंसी, उतना ज़्यादा यू नो आपका सक्सेस. तो 70% to 90% जो डेथ्स हुई हैं वो छत्तीसगढ़ से आए हैं इस 5 साल के पीरियड में, विच इज़ वेरी वरिंग. The number of deaths of security personnel have varied from 55 in 2018 to just 10 in 2022. Until the end of February, Maoist had killed 17 people in the state this year, which is very sad. Okay, अब देखिए हमारे लिए question ये है कि security forces ने भी of course बहुत सारे Maoist cadres को destroy किया होगा, जैसे कि मैंने बताया. तो हम इस 5 साल का ही data देख लेते हैं, 2018 से 2022 का. तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस दे किल्ड 328 माओइस्ट कैडर्स इन मोर देन 400 प्लान्ड ऑपरेशंस. ओके, अब देखिए जो मेन क्वेश्चन, ये तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर देख लिया कि अप्रैल ही क्यों या फरवरी से जून ही क्यों. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ ही क्यों, ठीक है. अब इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट द वॉर अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैन ओनली बी वन. अब देखिए, क्योंकि जो स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस में अगर आप लोकल लोगों को ही रिक्रूट करते हैं, ऑफकोर्स स्टेट पुलिस में लोकल लोग होते हैं, तो उन लोकल एरिया के लोगों को लैंग्वेज पता है माओइस्ट की, क्योंकि माओइस्ट भी उन्हीं के लोग हैं,
जो बेसिकली उन्हीं में से निकले हैं, उन्हीं में से वहां माओवेस्ट काडर्स ने उनको रिक्रूट किया है। तो आपको उनकी लैंग्वेज पता है, वहां का टेरेन पता है, कैसे ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं वो लोग, सब कुछ पता है। तो ज्यादा इफेक्टिव जो इस तरह के ऑपरेशंस है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, वो स्टेट पुलिस कंडक्ट कर सकती है, ना कि सेंट्रल फोर्सेस। और ये हमें बहुत समय पहले समझ आ गया था हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भारत के। अब इट इज द स्टेट पुलिस हु अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज, हैव द लोकल नॉलेज एंड नेटवर्क्स दैट आर इसेंशियल फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑल्सो। ओके, अब देखिए, ऑफ कोर्स अगर आप वहां रहे नहीं हैं कभी, या फिर आपको यही नहीं, आपका कोई नेटवर्क नहीं है, आप किसी को जानते नहीं, आप लैंग्वेज नहीं जानते, और आपको सेंटर ने वहां पे भेज दिया है ना, तो आप खुद सोचिए कि आप इतना एफिशिएंटली इंटेलिजेंस गैदरिंग कर पाएंगे? वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द स्टेट पुलिस। इट इज बाय पुटिंग लोकल पुलिस इन द लीडिंग। तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, है ना, तो अगर इन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस की, नियर जीरो वहां पे नक्सलाइट मूवमेंट्स आजकल हो रही हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने लोकल पुलिस को हार्नेस किया है, लोकल पुलिस का मैक्सिमम यूज किया है माओवेस्ट प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए। ऑल दी स्टेट्स फॉर्म्ड अप, इन सारी स्टेट्स ने अपने स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं पुलिस फोर्सेस में से ही, ठीक है, और जितने भी पर्सनल और ऑफिसर्स उन्होंने रिक्रूट किए हैं वो स्टेट में से ही किए हैं, ताकि उनको नॉलेज हो, उनको लोकल लैंग्वेज आती हो, फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, और फिर इस तरह से दे वन द बैटल, ऑफ माओवेस्ट प्रॉब्लम, अगेंस्ट द माओवेस्ट प्रॉब्लम। बहुत सारे डेवलपमेंटल एफर्ट्स भी किए हैं, ताकि देखिए, सबसे बड़ी बात जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माओइज्म या नक्सलिज्म या इस तरह के एक्सट्रीमिज्म के रूट्स पे लाए करते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, आइडियोलॉजी तो एक अलग बात है, वायलेंस एक अलग चीज है, वो उसके रूट पे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाए करते हैं। कैसे? क्योंकि जब अगर आपको ये कोई बता पा रहा है कि सरकार आपकी दुश्मन है, उसने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप कुछ कर दो ना, ठीक है। आप अपनी जनता के लिए, यू प्रोवाइड देम विद बेसिक एमिनिटीज, यू प्रोवाइड देम विद डेवलपमेंट, यू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम, यू गिव देम फूड, यू यू गिव देम क्वालिटी लाइफ जैसा मेन स्ट्रीम लोगों को मिल रहा है। डोंट कोई अगर उनको आके कहे कि देखिए सरकार आपकी दुश्मन है, तो वो कहे अरे हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, वी गेट दिस वी गेट दैट, है ना, तो कोई आप इन्फ्लुएंस हो ही नहीं पाएंगे। तो वो सोशल चीज यहाँ कब हो जाती है? अनएम्प्लॉयमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स के लिए, तो जॉब प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो ये सारी चीजें आप अपने GS3 में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, आई एम जस्ट टचिंग अपॉन इट। ओके, दिस प्रोसेस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सोर्सेज से स्टार्टेड। अब लेकिन ये जो प्रोसेस है, हमने देखा छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, बिहार, इसमें बहुत समय से हो रहा था लोकल पुलिस को रिक्रूट करना, फाइटिंग अगेंस्ट द माओवेस्ट कार्डर्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही लेट शुरू हुआ, और इस वजह से छत्तीसगढ़ आज भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अब ये समय अगर हम आज तक देखें, द पुलिस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज हैड पुश्ड, इस समय में क्या हुआ, माओवेस्ट को पुश, जैसे कि मैंने बताया, अपनी जगह से अगर आप माओवेस्ट के कार्डर्स को डिस्ट्रॉय करके, तो वहां से वो भाग जाएंगे, दे विल फ्ली अवे, तो कहीं और जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो स्टेट्स में से जब माओवेस्ट को भगाया गया, तो वो सारे के सारे छत्तीसगढ़ चले गए, और छत्तीसगढ़ उनका सेंटर बन गया, हेडक्वार्टर सॉर्ट ऑफ थिंग, मेकिंग इट अ कॉन्सेंट्रेटेड माओवेस्ट जोन। तो जो स्पेशल यूनिट है छत्तीसगढ़ पुलिस की, DRG, जो जिसके पर्सनल अभी हमने देखे जो इसमें शहीद हुए हैं, तो उनको ऑफकोर्स लिया तो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन में से ही गया है, ठीक है, और उनको ट्रेन भी किया गया है माओवेस्ट को फाइट करने के लिए, पर बहुत ही कम समय हुआ है इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए, जो छत्तीसगढ़, बहुत ही रिसेंटली, काफी लेट हो गए छत्तीसगढ़ के लोग इसमें। द एब्सेंस ऑफ रोड्स इन द इंटीरियर्स ऑफ बस्त, अब साथ ही में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बस्तर का इंटीरियर, स्पेशली जो सदर्न बस्तर का रीजन है, वहां पर रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट होंगे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा? और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सदर्न बस्तर के इंटीरियर रीजन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो ऑफकोर्स वो रीजन खाली है, द माओवेस्ट वुड कम देयर, उनका इन्फ्लुएंस आज भी वहां जारी है, इनफैक्ट लोकल सपोर्ट भी मांगते हैं, और लोकल सपोर्ट है वहां पे कई लोगों को। जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार के लोग या फेस नहीं है वहां, सरकार का फेस ही कोई नहीं है जो लोगों से बातचीत करे, और बहुत ही थिनली स्प्रेड है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर ऑफकोर्स वहां पे वॉइड जनरेट हो गए ना, उस वॉइड को आगे कोई तो फिल करेगा, वो माओवेस्ट फिल कर देते हैं, ठीक है। तो माओवेस्ट कुछ तो अपनी गुडविल क्रिएट करके, थोड़ा बहुत काम करके सबके लिए, बाकी थोड़ा बहुत फियर फियर से अपना सपोर्ट लेते हैं।
हाउ हैज दिस सेंटर रिस्पॉन्डेड, अगर हम देखें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के प्रति सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है। ऑफकोर्स जब आप इस तरह का आंसर लिखेंगे आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए, बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं केंद्रीय सरकार द्वारा, कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टेट्स, तो पहली बात तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाता है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको इक्विप किया जाएगा टू फाइट माओइस्ट। और क्या है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के बाद, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, या पढ़ते हैं SIS, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में क्या होता है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन लोकल पुलिस एंड इंटेलिजेंस सेटअप्स। फिर आते हैं स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स LWE डिस्ट्रिक्ट्स में। सेंटर हैज मेंटेन्ड अ मैसिव प्रेजेंस ऑफ द CRPF इन द अफेक्टेड स्टेट्स फॉर ऑलमोस्ट 2 decades, एंड दिस यू नो वेरी वेल। तो 3-4 points में यही मिल गए, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, SIS यानी कि स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और साथ ही में CRPF को डिप्लॉय कर। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो CRPF है, इट हैज बीन कंसिस्टेंटली एनलार्जिंग इट्स फुटप्रिंट बाय ओपनिंग न्यू कैंप्स डीपर इन द जंगल्स ऑफ साउथ बस्तर, जहां पे सबसे कम प्रेजेंस रही ही है आज तक की। अगर हम पिछले साल की बात करें, क्लोज टू 20 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस हैव बीन सेट अप इन बस्तर 2 years ago, द CRPF, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल पहले CRPF ने बस्तरिया बटालियन को रेज किया है, और इसमें रिक्रूट किन लोगों को किया है, लोकल पॉपुलेशन को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे नो द लैंग्वेज द टेरेन द इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म इज स्मूथ फॉर देम, क्योंकि उनकी नेटवर्क्स हैं वहां पे। और इस यूनिट में जो बस्तरिया बटालियन है उसमें 400 रिक्रूट्स हैं और वो रेगुलरली अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। The center is pushing for the erection of mobile towers. Okay, this is also done. The center has also unleashed the... अब ये बहुत important है. देखिए जब ब्रिटिशर्स आए, है ना, तो आप ये चीज़ पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स जब आए तो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत डायरेक्टली बोलना शुरू किया, देखिए हम तब तक ब्रिटिशर्स को नहीं गिरा पाएंगे जब तक हम उनकी इकोनॉमी पे हिट ना करना शुरू करें। और फिर आया बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है, कि इनके बनाए हुए कपड़े मत लो, इनका लिकर मत, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स हमने उनको बॉयकॉट करना शुरू किया, ताकि हमने टैक्स नहीं देंगे तो हमारे ही टैक्स से वो हमें ही लूट रहे थे उसके बाद, है ना, तो हमने बेसिकली उनकी इकोनॉमी को हिट करना शुरू किया। और वैसे ही इस तरह के लोगों की इकोनॉमी को हिट करना बहुत जरूरी है, तो वहां पे भी केंद्रीय सरकार, आप जानते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ED और इन तरह की एजेंसीज को यूज करके जो CPI माओइस्ट के काडर्स हैं, उनके लीडर्स हैं या उनके सिंपथाइजर्स हैं, उनको उनकी फंडिंग को चोक कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सेवरल हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, यू नो, हैव बीन कॉन्फिस्केटेड उनकी प्रॉपर्टी, बहुत सारी रेड्स होती हैं इस तरह के यू नो रीजन्स पे, और वो सब आप कुछ जानते हैं। अब देखिए हमें द हिंदू के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं, और एक आर्टिकल हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, एंग्री विद रिफॉर्म डिलेज इंडिया कॉल्स UN सिस्टम एनाक्रोनिस्टिक। तो इसके बाद हम बेसिकली एक द हिंदू का ही एक एडिटोरियल देखेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिग इकोनॉमी पे। आई थिंक गिग इकोनॉमी पे एक बहुत ही फुल फ्लेज्ड आपको इस बार क्वेश्चन मिल सकता है, आपके मेंस में भी और ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में भी, जो वर्कर्स की डेफिनेशन, यू नो, आप बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, पहली बात तो गिग वर्कर्स का मतलब क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो लेट्स जस्ट बिगिन। अब आप जानते हैं कि रुचिरा कंबोज जी, शी इज बीन लाइक वेरी वोकल अबाउट द UN रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट थिंग, तो एक स्पीच में जो UNSC पे इस हफ्ते दी गई है, हमारी इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि UN चार्टर एनाक्रोनिस्टिक है, और यू नो साथ ही में इन्होंने कहा है कि इट हैज फेल्ड। अब देखिए अगर UN चार्टर इतना, जब हम बार बार कहते हैं वी अबाइड बाय UN चार्टर, दिस दैट, लेट्स प्रोटेक्ट UN चार्टर, तो जब चार्टर ही सही नहीं है, अगर चार्टर इतना ही शानदार एक डिवाइस होता तो COVID-19 पैंडेमिक में फेल क्यों हो गया यूनाइटेड नेशंस उसमें अपना कुछ भी योगदान देने में, यूक्रेन वॉर को क्यों नहीं अवॉइड किया गया, या टेररिज्म में क्यों आज तक सक्षम नहीं हो पाए, या क्लाइमेट चेंज को रोकने में क्यों नहीं कुछ कर पा रहे। एवरी कंट्री इज हैविंग इट्स ओन वे, आप जानते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर में ही कुछ फ्लॉ है ना, या यूनाइटेड नेशंस के यू नो पूरे इंस्टीट्यूशन में ही कुछ फ्लॉ है। ओके,
तो एम्बेसडर रुचिरा कंबोज वॉज स्पीकिंग एट अ सेशन. तो ये सेशन किसने कन्वीन किया है? रशिया ने. और ये सेशन क्या था? इट वॉज कॉलिंग आउट फॉर अ डिस्कशन कि कैसे मल्टीलैटरलिज्म को इफेक्टिव बनाया जा सकता है बाई डिफेंडिंग द यूनाइटेड नेशंस चार्टर. देखिए, ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा है कि हमने इतनी हार्शली, अगर आप ये स्पीच सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, इतनी हार्शली चीज़ों को पुट किया है अपनी स्पीच में. हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि वीटो के बारे में हमने कभी बात ही नहीं की, कभी भी नहीं. ठीक है, हम कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म दिस दैट बहुत बार, के यूएन रिफॉर्म्स, जैसे पीएम मोदी ने बहुत रिसेंटली 2019-20 में कहा कि एक समय तब आया था जब पीस की जरूरत थी, वर्ल्ड वॉर्स थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ. एक समय आज है, पैंडेमिक है, ये है सब कुछ, तो अब एक नए जन्म की जरूरत है, एक रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस की जरूरत है. पर ये बहुत ही सटल चीजें हैं, इसमें कुछ हार्श नहीं है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा इम्प्लिसिट चीजें हैं ये. लेकिन पहली बार हम इतना आउटस्पोकन हुए हैं और हमने कहा ओ नो, वीटो सिस्टम, या तो आप एक बंदे, या तो आप सबको दे दीजिए, या आप किसी को मत दीजिए. ठीक है, लेट्स जस्ट रीड कहीं चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रीलिम्स में आ सकती हैं. यहाँ पे वीटो फॉर ऑल और नन, तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि मिस कंबोज ने ये भी कहा कि देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने की बहुत ज़रूरत है, परमानेंट मेंबरशिप को. एक्सपेंशन का मतलब ही केवल परमानेंट मेंबरशिप है. और जो वीटो पावर है जो आपने P5 को दी हुई है, जिसमें US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना आते हैं, तो यू नो, एज मिसेस कंबोज सेज, कैन वी प्रैक्टिस इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म बाई डिफेंडिंग अ चार्टर दैट मेक्स 5 नेशंस मोर इक्वल देन अदर्स. मल्टीलैटरलिज्म हो ही कैसे सकता है जब एक चार्टर जो एक्सप्लिसिटली ये प्रोवाइड कर देता है कि सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जो ज्यादा ऊपर हैं, दे आर मोर इक्वल देन अदर नेशंस. ओके, और उनको, उन 5 लोगों को प्रोवाइड कर देता है कि आप कलेक्टिव विल, जो रिमेनिंग 188 मेंबर स्टेट्स की, आप उसे इग्नोर कर सकते हो, वीटो कर दो उसको. ये कहाँ का मल्टीलैटरलिज्म है? और आप, और यही देश हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं, और इनकी अब क्यों नहीं वो सेल्फ जागती कि नहीं, एवरीबडी शुड बी इक्वल. हु मतलब किसने ये किया है? यू नो, दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू इवन थिंक कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 लोगों को सबसे ज्यादा ज्ञान है, ये ऐसा उनको हमने बिलीव करवा दिया है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन पूरे संसार के लेंगे. हु हैज गिवन देम दैट पावर? दिस इज द फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया ने स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज किया है गिविंग द वीटो टू द P5, कि अब हमारा स्टैंड क्लियर हो गया कि हमारा एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है. पहली बात तो आप UN चार्टर को रिव्यू करो, UN चार्टर ही सही नहीं है, ठीक है, लेट अलोन एनीथिंग एल्स. The veto must be given to all members or none. Give it to everybody or give it to nobody. Okay? The tough words in the Indian speech. अब ये क्या reflect करता है कि हम frustrated हो चुके हैं. इतनी snail pace पे चल रहा है intergovernmental negotiation process, है ना? और जो हमारी determination है that we want to have UN reforms. और ये हमारी, हम चाहते हैं कि इस global body का, United Nations का topmost agenda यही रहे. Although हम सिक्योरिटी काउंसिल के इस बार पार्ट भी नहीं है. ओके, नॉन परमानेंट मेंबर थे हम पिछले 2 साल के लिए. अब देखिए, आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आपको इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी हार्श स्पीच आई है, बहुत बड़ी एक न्यूज बन गई है ना? तो आपको IGN प्रोसेस पता होना चाहिए, दैट इट बिगैन इन 2008, और अभी 15th ईयर है. ऑफकोर्स 2008 से 15th ईयर होगा 2023 में. ओके, एक ड्राफ्ट टेक्स्ट कि क्या रिफॉर्म्स होंगे, कैसे नहीं होंगे, वो प्रपोज किया गया था और प्रेजेंट भी किया गया था 2015 में. लेकिन अभी तक यू नो कोई हमें इंडिकेशन नहीं है दैट द नेगोशिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ अ टेक्स्ट विल बिगिन इन द नियर फ्यूचर. वी डोंट नो एज ऑफ येट कि क्या होगा, क्या कुछ क्लियर ही नहीं है. सो मिस कंबोज ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ क्लियर एट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स एंड मेंबर स्टेट्स और नेमिंग दोज हु अपोज दी. उन्होंने कहा कि देखिए, चलिए ये भी क्लियर कर लीजिए कि कौन अपोज करता है. कॉफी क्लब आई थिंक आप जानते हैं. देखिए, अगर इंडिया कह रहा है रिफॉर्म, तो पाकिस्तान कहेगा नॉन रिफॉर्म, राइट? तो ये तो होता ही है, जहाँ इंडिया वहाँ पाकिस्तान, पर हमारे ऑपोजिट. तो ये आप जानते हैं, जो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप है ना, तो उसमें पाकिस्तान तो होगा ही, जो एक्सपेंशन नहीं चाहता, वो चाहता है कि वीटो सबको ना दिया जाए. पता नहीं क्या रीज़न है इनका, इनको खुद नहीं पता. इनको कोई चीज़ क्लियर नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंडिया जो कह रही है उसके खिलाफ बोलना है.
दे आर क्लियर विद नथिंग एल्स देन दिस. ओके, तो इसमें बाकी कंट्रीज कौन सी है? ऑफकोर्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना, इटली, मेक्सिको, पाकिस्तान एंड टर्की. ओके, ऑल आईज विल नाउ बी. अब देखिए, जो जून में IGN का यू नो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, जो इस साल का लास्ट सेशन होगा, तो क्योंकि अब हमने वी हैव अप्ड द एंटे, हमने अपनी स्पीच की टोन बढ़ा दी है, बहुत एक्सप्लिसिटली पहली बार वीटो के बारे में मेंशन किया है कि और अपना स्टैंड क्लियर किया है, तो जून में मे बी हम एक लेवल और आगे जाएं. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वेयर नेशनल स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, और पहली बार वेबकास्ट किया जाएगा, वेबकास्ट लाइव किया जाएगा, यू नो, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसे फॉलो करना. सिग्निफिकेंटली एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीट दिस वीक मैनी ज्वाइंट इंडिया. तो हमने जब ये बातें बोली, हमारे कंसर्न को बहुत और सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, इनको कहीं रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है. यूरोप डोमिनेट कर रहा है या वेस्ट डोमिनेट कर रहा है, सिर्फ चाइना ही है जो एशिया का एक मेंबर है, और चाइना ही थोड़ा ना अकेला एशिया है. अपार्ट फ्रॉम रिफॉर्म, इंडिया ने यह भी कहा कि देखिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एक अर्जेंट रिव्यू की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस चार्टर की. ओके, आर्टिकल 109 पढ़िए. आर्टिकल 109 में ये लिखा है कि एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, मस्ट बी, मस्ट मतलब होता है एक मैंडेटरी चीज, इट मस्ट बी हेल्ड विद इन अ डेकेड ऑफ द ओरिजिनल चार्टर बीइंग अडॉप्टेड. तो डेकेड क्या पता नहीं कितने साल हो गए, इसीलिए तो एनाक्रोनिस्टिक हो गया है यूएन चार्टर. अब देखिए, हमें प्रॉमिसिंग बिल, देखिए राजस्थान के केस में ना रिसेंटली बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं. ये एडिटोरियल्स तो आज तक हमने जितने भी कवर किए हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ वेरी मच एप्रिसिएटिव ऑफ राजस्थान के स्टेप्स. आपने पहले यू नो जो हेल्थ केयर बिल देखा, राइट टू हेल्थ केयर, जो एक DPSP को भी पूरा करता है, जो ऑल दो उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट थी मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा, पर उन सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो भी प्रोटेस्ट थी उसको सब ने क्रिटिसाइज किया, जो भी आप इंटेलेक्चुअल्स की बातें पढ़ेंगे या न्यूज़ में देखा होगा आपने, या एनालिसिस देखा होगा या पढ़ा होगा. फिर उसके बाद अब राजस्थान में एक और चीज़ हो रही है, एंड दी ऑथर हियर वेलकम्स इट. सिर्फ यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में भी जो भी एडिटोरियल्स आए हैं सब ने वेलकम किया है. ओके, तो विद एन एस्टिमेटेड 8 मिलियन पीपल, तो ये किस चीज़ के बारे में है? पहले हम ये देख लेते हैं, गिग वर्कर्स के बारे में है या गिग इकोनॉमी के बारे में, इससे पहले कि ये ऑथर क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जर्नलिस्टिक से चीज़ें हैं. राजस्थान का बिल क्या कहता है, ठीक है, तो राजस्थान का एक बिल आया है, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल. ओके, जिसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, जो गलत एग्रीगेटर्स हैं, यानी कि जो हायरिंग कंपनीज हैं या फिर प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, ओके, तो अगर वो एक्सप्लॉइट करती हैं किसी गिग वर्कर को तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उनके खिलाफ. और वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं प्रोविजंस कहीं कहीं तो, इनफैक्ट के अगर एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल ऊबर है ना, और वो सही नहीं बिहेव कर रही अपने वर्कर्स के साथ, या कुछ डिले इन पेमेंट, या कुछ बहुत ही कुछ गलत हो जाता है, या जो भी इस तरह का, तो ऊबर को बैन भी किया जा सकता है राजस्थान से, इतने स्ट्रिंजेंट है, ठीक है. कहीं केसेस में ऐसा हो सकता है. कुछ कुछ हाइलाइट्स देखिए आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, ऑल दो स्टेट लेवल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि जब भारत में किसी और अभी तक स्टेट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, किसी और स्टेट ने आज तक सोचा ही नहीं राइट टू हेल्थ केयर बिल के बारे में, तो उनके कुछ प्रोविजन, इसीलिए जब राइट टू हेल्थ केयर का बिल आया था इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में, उसके कुछ प्रोविजन हमने देखे थे. जर्नलिस्टिक ही प्रोविजन आपको पता होने चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, तो आपके मेंस में ना ये पूछा जा सकता है, what is gig economy or what are gig workers question mark. फिर उसके आगे एक और कुछ के you know क्या reason है कि recently gig economy में हमने you know इतना increase देखा है India में, या क्या challenges हैं, फिर ये question, write this or comment on this with respect to Rajasthan's platform based gig workers bill. तो कुछ 3-4 point आपको वहाँ लिखने पड़ेंगे, ठीक है. तो हाइलाइट्स क्या हैं बिल के, वही ये यहाँ पे लिखा है बिल के बारे में, ठीक है. तो बेसिकली बिल ये कहता है कि पहली बात तो अब हम एक वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि हम एक वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, और ये वेलफेयर बोर्ड क्या करेगा, ये वेलफेयर पॉलिसीज डिजाइन करेगा, ग्रीवेंसेस सुनेगा वर्कर्स की, जिनको पीस रेट बेसिस पे हायर किया गया, यानी कि गिग वर्कर्स की ग्रीवेंसेस को भी सुनेगा. ओके, और इस बोर्ड को पावर है
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यहाँ पढ़ सकते हैं इस तरह की जो चीज़ है, इस तरह का वेलफेयर बोर्ड और जो सेस का मैकेनिज्म है वो बाकी थाईलैंड और मलेशिया में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो इट इज़ अ गुड थिंग. तो यू नो बेसिकली, पर ऑफकोर्स अगर हम इसको इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से देखें तो मे बी थोड़ा कम अट्रैक्टिव बन जाएगा राजस्थान फॉर दीज प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज टू गो देयर एंड ओपन अप देयर बिजनेसेस. तो ये चीज़ एक है, बट स्टिल तो क्या है ये बेसिकली, एक्सेस आप कलेक्ट करेंगे कंज्यूमर से, ठीक है? कि अगर फॉर एग्जांपल आप मलेशिया और थाईलैंड में जाएंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 2% अगर आप एक राइड लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 2% आपकी हर राइड की जो ट्रांजैक्शन है उस पर कट जाता है, क्योंकि वो एक्सेस के रूप में कटता है और ये एक वहाँ के बोर्ड पे जाता है. यानी कि इस केस में राजस्थान में जो सेस कटेगा बेसिकली कितना सेस होगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा. ये जो सेस कटेगा हर एक ट्रांजैक्शन पे जो प्लेटफॉर्म पे हो रही है वो एक सोशल वेलफेयर कॉर्पस में उसे जमा किया जाएगा, और फिर ऑफकोर्स वही सोशल वेलफेयर जो कॉर्पस है वो यू नो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए लगाया जाएगा वहाँ से पैसा. दिस सेस ऑफकोर्स शैल बी अ परसेंटेज ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द प्लेटफॉर्म. साथ ही में देखिए यहाँ पे यूनिक आईडी की भी बात की जा रही है इस बिल में. तो क्या होगा, जितने भी प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स हैं यानी कि गिग वर्कर्स हैं, जितने भी, उनको रजिस्टर किया जाएगा यू नो ऑटोमेटिकली बोर्ड के साथ, वेलफेयर बोर्ड के साथ, ठीक है? कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना समय हुआ है उनको जुड़े हुए उस प्लेटफॉर्म के साथ, ऊबर, ओला, ब्लिंकिट, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ. देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमने ब्लिंकिट के वर्कर्स द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट देखी है, डीले इन वेजेस एंड अ लॉट मोर थिंग्स. यानी कि इंडिया का लास्ट मिनट डिलीवरी ऐप, यही आप एड्स में देखते हैं, राइट? लेकिन उसकी इकोनॉमी नहीं है ना कोई, there's no economics to it. Khair, I would not go into that because I have certain opinions about it. Khair, लेकिन वहाँ पे जो workers हैं वो delay in wages के साथ साथ ये भी कह रहे थे कि हमें अपनी life को threaten करके 10 मिनट में delivery करना बहुत मुश्किल है. तो बहुत सारे reasons थे, खैर I would not go into that. पर gig workers का concept वहाँ के लिए अगर हम देखें वहाँ से भी important हो जाता है, तो आपको इसीलिए cover करना है इस बार, ठीक है? तो यहाँ पे वही बातें लिखी हैं कि आपको एक यूनिक आई डी हर एक गिग वर्कर को मिलेगी. आपको 5 महीने हुए हैं, आपको 5 साल हो गए हैं एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए, तो आपको एक हर एक वर्कर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी और 3 साल के लिए वैलिड रहेगी ये यूनिक आईडी, ताकि भाई ऑफकोर्स अगर कुछ हो तो ट्रैक किया जा सके, सोशल वेलफेयर मैकेनिज्म फिर तब वर्क कर सके. और जो पेनल्टी है आप जानते हैं कि पेनल्टी कैन ऑफकोर्स बी लाइक कि आपको स्टेट में परमानेंटली बैन ही कर दिया जा सकता है या टेम्परेरली सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर पहली बार अगर आपने गिग वर्कर्स का कुछ डेटा शेयर किया या कुछ भी किया इस तरह का तो 10 लाख की पेनल्टी, फिर उसके बाद एक और बार किया तो 1 करोड़ की पेनल्टी. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम देख रहे हैं. अभी फाइनल नहीं हुआ है, बिल है, तो जब इसके यू नो फुल फ्लेज्ड प्रोविजन आ जाएंगे तो इंडियन एक्सप्रेस में भी आ जाएगा और हम उसे डिस्कस करेंगे. पहली बात, गिग वर्कर्स क्या होता है? गिग वर्क इज अ नॉन स्टैंडर्ड वर्क, राइट? है तो ये इनकम अर्निंग एक्टिविटी ही, पर इट इज आउटसाइड द स्टैंडर्ड वर्क कैटेगरी. ओके, मतलब जो आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखते हैं ये वैसा नहीं है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. ओके, कि ये मेरे पास एक काम आया हुआ है क्या आप ये कर देंगे, ठीक है? तो आपको इस पर्टिकुलर काम के लिए पैसा मिल जाएगा, जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. ये भी एक गिग वर्कर का, जो आप फ्रीलांसिंग देखते हैं, ठीक है, किसी का असाइनमेंट बना देना, ये भी एक गिग वर्किंग का. अब देखिए गिग वर्कर्स में क्या है ना, रेंज बहुत ब्रॉड है. कहीं एंटरप्रेन्योर्स या कहीं जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क या साइंटिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क्स, वो हो गया बहुत ही हाई क्वालिटी, है ना, हाई स्किल्ड इस तरह का गिग वर्कर्स. लेकिन मैक्सिमम जो है वो लो स्किल्ड या मीडियम स्किल्ड वर्क है, ठीक है, जो ऊबर ड्राइवर्स या डिलीवरी बॉयज है ना, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी गिग वर्कर है. और जो अगर आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं किसी फ्रीलांसिंग ऐप पे, वो भी गिग वर्कर है, ठीक है? तो ये आपको रेंज पता होनी चाहिए. बात ये है कि यहाँ पे आई थिंक यू नो दिस वेरी वेल कि उनको वर्कर, गिग वर्कर्स आर नॉट वर्कर्स एक्चुअली, दे आर पार्टनर्स. उनको कह के तो अच्छा फील करवाया जाता है कि आप हमारे बिजनेस में पार्टनर हैं, आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं, हमारा बिजनेस आप ही की वजह से बढ़ रहा है क्योंकि यू आर पार्टनर्स. पर सबसे ज़्यादा पार्टनर कह के अच्छा फील करवाना, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड भी आज के समय में गिग वर्कर्स हैं अगर हम देखें तो, क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता है. अब जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन ये भी था कि क्या रीज़न है कि गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी बढ़ती जा रही है. तो देखिए सबसे पहला रीज़न है पैंडेमिक.
जब पैंडमिक आया तो बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई है ना, और लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. तो उसके बाद आपने खुद को टर्न किया टू पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क फॉर इनकम, राइट. दूसरा सबसे बड़ा, जैसे ये ऑथर भी कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब से स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आए हैं, राइट, तो जब से इंटरनेट का प्रोलिफरेशन, स्मार्ट एप्स, दिस दैट, जितनी ज़्यादा एप्स, फूड डिलीवरी, मिंत्रा और से मीशो व्हाटएवर है ना, तो जितनी ज़्यादा इस तरह की एप्स, जितना ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होना ऑनलाइन शॉपिंग या बाइंग, उतने ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी, गिग वर्कर्स की ज़रूरत होगी. तो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो वन सच रीज़न. ओके, और क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ है, ये ना ही केवल इम्प्लॉय यानी कि जो वर्कर है उसके लिए कन्वीनियंट है, बल्कि इम्प्लॉयर के लिए भी कन्वीनियंट है. इम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से क्या कन्वीनियंस है? यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर, यू हैव दिस फ्रीडम. ना ही केवल ये, इनफैक्ट आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी है. आप शाम को थोड़ा फ्री होते हैं, आपने नॉर्मल मून लाइटिंग कर सकते हैं. अगर आप सुबह काम कर रहे हैं तो आपने शाम को, ऑफकोर्स आपको हर डिलीवरी के बेसिस पे पैसे मिलते हैं स्विगी, फ्लिपकार्ट या इस तरह की एप्स पे. ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी ये हो गया एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से. एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से क्या, अगर हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ही हाई और बहुत ही फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को जिनकी वेज ज़्यादा है, तो वो इन तरह के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए या यू नो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए. और क्या हो सकता है? वर्क फॉर ऑल सबसे लिए अगर हम देखें तो इसमें कहीं कहीं कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ स्किल की ज़रूरत नहीं है. जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपने फॉर एग्जांपल दे गेट इनटू अ कॉलेज और उनको कॉलेज की फ़ीस निकालनी है, तो फ्रीलांस कर सकते हैं, मे बी और कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं बहुत मैक्सिमम यू नो ऐसी चीज़ें हैं गिग इकॉनमी में जिसके लिए स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आप ज़रूरी नहीं, आप कहोगे अभी तो मैंने मास्टर्स भी नहीं की, अभी मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, मैं एक ऐसे काम कर सकता. तो काम ही ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है. तो वर्क फॉर ऑल की गारंटी आप कह सकते हैं गिग इकॉनमी से मिलती है. लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? ऑफकोर्स चैलेंजेस हैं कुछ, तभी तो बिल लाया जा रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, तो सबसे पहला चैलेंज ये है वर्क लाइफ बैलेंस. अगर हम मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप 100 काम कर रहे हैं, जिस भी के थोड़ी सी इनकम एडिशनल हो जाएगी, मे बी आपके घर के कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ है? आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, पता नहीं है कब उठेंगे कब सोएंगे, क्योंकि रात को डिलीवरीज करनी है, सुबह अपना काम करना है. तो ये चीज़ यू नो काफ़ी गलत है. और हम देखें कि फुल टाइम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जो रिलेशनशिप है वो हैम्पर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए काफ़ी सहूलियत है, फ्लेक्सिबल है ना, तो एक ये चीज़ है. और ऑफ कोर्स जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि कम वेजेस पे या कम इस तरह आप रख सकते हैं यू नो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को, तो यू कैन वेरी इजीली रिप्लेस फुल टाइम एम्प्लॉयज़, तो उनके लिए थ्रेट है. सबसे बड़ी बात है कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. ओके, तो आपको नहीं कोई मेटर्निटी लीव या इस तरह का कोई कुछ भी नहीं मिलता. ओके, और कोई रेगुलर जॉब बेनिफिट्स भी नहीं है. ओके, अब देखिए, कोई अगर आप गिग वर्क कर रहे हैं तो आप अपने रिज्यूमे में नहीं लिख सकते कि मैंने ये किया है, उसके ज़रूरी नहीं है वो काम करेगा. ओके, तो देखिए, ऑफ कोर्स अगर आप गिग इकोनॉमी कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप इसी से स्टार्ट कीजिए कि इन 2022 8 मिलियन, वैसे तो अगर हम 2020 का डेटा देखें तो 7.7 मिलियन, टू बी वेरी एप्ट, देवर एंगेज्ड इन गिग इकॉनमी. लेकिन बहुत सारा डेटा ये बताता है कि 2029-30 तक जो गिग वर्कफोर्स है इट इज़ सेट टू गो अप टू 23.5 मिलियन. तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इससे यू नो स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर को, और फिर गिग इकॉनमी को या गिग वर्कर को डिफाइन कीजिए, देन यू गो ऑन एंड राइट जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं. और कुछ स्टेप्स तो लिए भी जा चुके हैं. कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, अब जानते हैं लेबर कोड जो है उसमें से एक कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, उसमें क्या है यू नो बेसिकली सूटेबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए लाई जा सकती हैं, जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवर या मेटर्निटी बेनिफिट्स इस तरह से. लेकिन एक बात है कि आप एलिजिबल हैं, आप गारंटीड नहीं हैं इस कोड के तहत. आप एलिजिबल हैं इन बेनिफिट्स के लिए अगर कोई स्कीम आ जाती है तो, लेकिन गारंटीड नहीं है ना कि ऐसी कोई स्कीम आएगी वो देगी ही देगी, क्योंकि पहली बात तो आप वर्कर ही नहीं है, आप पार्टनर हैं, तो ये एक दिक्कत है. ई श्रम पोर्टल आप लिख सकते हैं कि ई श्रम पोर्टल जो
नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आते हैं। अब देखिए, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो गिग वर्कर्स का या गिग इकोनॉमी का एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि गिग इकोनॉमी जरूरी नहीं है कि देखिए, जो आप कन्वेंशनल गिग इकोनॉमी की बात करें तो जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, 4 घंटे के लिए एक दिन में काम करना, वो भी गिग इकोनॉमी ही है, ठीक है। लेकिन प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी कि जो डिजिटल एप्स के थ्रू काम कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म गिग इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द गिग गिग, ओके। अब वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, ये मैं आपको स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के बारे में बता चुकी हूँ। इट गोज विदाउट सेइंग दैट इन अ कंट्री जहाँ पे इनफॉर्मल लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट यही डिफाइन करता है हमारे जॉब्स मार्केट को इन द लास्ट डेकेड, तो जो गिग इकोनॉमी है हैज बीन अ बेनिफिशियल आउटलेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लेकिन इसमें भी काफ़ी इंक्रीज कॉम्पिटिशन है प्लेटफॉर्म्स के बीच में भी, और जो अवेलेबिलिटी है चीप लेबर फोर्स की, दे ऑफ कोर्स इट हैज़ लेड टू अ लोअरिंग ऑफ इंसेंटिव्स फॉर गिग वर्कर्स। उनका वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी वर्क आवर्स से रिलेटेड अभी भी नहीं है, उसको कर्ब नहीं किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ वही लिखी हैं। वो तो पहली बात वर्कर्स ही नहीं है, फिर बिल को एक्सप्लेन किया गया है, थाईलैंड मलेशिया का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 2% डिडक्शन होता है। लेकिन देखिए, ऑथर ये कहते हैं कि गुड इनफ, यू नो, किया जाना चाहिए कंपटीशन के लिए, यू नो, जो भी, पर वेलफेयर का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो राजस्थान कर रहा है वो बाकी स्टेट्स को भी नज करेगा टू डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स, सो इट इज़ अ गुड थिंग, ओके। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ एक्सप्लेन की गई है। सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज ऑर्डर ऑन ESZ अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब देखिए, आपको जून 2022 का वर्डिक्ट याद होगा, आई थिंक जून ओनली, यस, जून 2022 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था कि प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास कम से कम 1 किलोमीटर का एक शॉक अब्जॉर्बर यानी कि बफर जोन होना चाहिए। पर बहुत सारी स्टेट्स, केरला, कर्नाटका, स्पेशली केरला, दे मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट कि आप प्लीज मॉडिफाई कीजिए अपनी इस वर्डिक्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वेंसडे को अपनी इस जजमेंट को मॉडिफाई किया है, ओके। तो जिसमें बेसिकली मैंडेट किया गया था दैट यू हैव टू हैव 1 किलोमीटर बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस द कंट्री। तो उन्होंने कहा, देखिए, ये यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिक। किस तरह का प्रोटेक्टेड एरिया है, आसपास कितनी सदियों से कितने लोग रह रहे हैं, क्या नहीं है, किस तरह की एक्टिविटीज आज तक एग्जिस्ट करती हैं, तो केस बाय केस बेसिस पे। तो देखिए, ये आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ESZ पे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं। हाउएवर द सेंटर एंड सेवरल स्टेट, ओके, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो कोर्ट ने भी अग्री करते हुए केरला वगैरह जैसी स्टेट्स को कि यू नो, जी हाँ, बिल्कुल हम समझते हैं, ESZ जो है, हमारा इंटेंशन ये नहीं था दैट इट हैम्पर्स द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द सिटीजन्स। इफ द डायरेक्शन इशूड इज कंटिन्यू, जो जून 2022 का अगर डायरेक्शन आज भी कंटिन्यू उसी तरह से किया जाएगा, तो सर्टनली डे टू डे एक्टिविटीज सिटीजन्स की हैम्पर होंगी जो ESZ में रह रहे हैं, ओके, उस बफर जोन के एरिया में। तो इसीलिए हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन एक कैवेट आपको पता होना चाहिए प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से। कोर्ट ने कहा, देखिए, ये तो हमने कह दिया केस बाय केस बेसिस पे, लेकिन जो माइनिंग है ना विद इन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑल्सो इन द बफर जोन ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री, इट शैल नॉट बी परमिसेबल। तो एक चीज है माइनिंग, अगर आपके प्रेलिम्स में लिखा है कि ESZ वुड बी डिसाइडेड ऑन केस बाय केस बेसिस विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना, और उसमें कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट की जा सकती है, तो माइनिंग इज नॉट परमिटेड इवन दो यू कैरी आउट योर डे टू डे एक्टिविटीज एंड व्हाट नॉट, ओके। अब हम बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। नीड फॉर स्टेट एक्शन वॉज फेल्ट इन ट्रिपल तलाक इशू, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है जो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट है 2019 का, जिसमें ट्रिपल तलाक को एक ऑफेंस बताया गया है, पनिशेबल विद 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसको चैलेंज किया गया है। अब देखिए, हम पहले चैलेंजर्स को देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि देखिए, जो एक मुस्लिम मैन है उसे इम्प्रिजनमेंट से गुजरना पड़ेगा अगर वो ट्रिपल तलाक देता है अपनी वाइफ को, विच इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ओके। लेकिन वही अगर जो एक
आदमी है वो किसी और फेथ को बिलोंग करता है और वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है बिना कोई रीजन दिए, डिजर्ट कर देता है, ठीक है। और आप जानते हैं अगर आप अपनी वाइफ को कुछ सालों तक बस ऐसी छोड़ के चले जाओ और कभी वापस ना आए, दैट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, कि 7 साल बाद या 15 साल बाद आपके हस्बैंड वापस आ जाते हैं अचानक से, तो वो डिवोर्स हो गया बस, मतलब वो वाइफ कह सकती है इतने साल से तो आई नहीं तो डिवोर्स चाहिए। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। लेकिन अगर कोई और, जैसे कि पिटिशनर्स कह रहे हैं कि अगर कोई और फेथ का कोई एक आदमी वो अपनी वाइफ को डिजर्ट कर देता है तो, और उसे पनिशमेंट का कोई डर नहीं है क्योंकि उनके लिए तो कोई इस तरह का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, and desertion you very well know was at best a ground for divorce. The organization जो petitioner है वो ये भी कहते हैं कि जो law है made the declaration of triple talaq an offence. वो offence इतना बड़ा उन्होंने कर दिया कि rioting, kidnapping, death by negligence उससे भी बड़ा है, ठीक है। तो bribery तो सबसे बड़ा आपने तलाक देने के उसको बना दिया, ये पिटिशनर्स का कहना है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा है कि देखिए वो ज़रूरत थी, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि ट्रिपल तलाक यू नो एक ऑफेंस है या वॉइड है, लेकिन फिर भी जो ये प्रैक्टिसेस थी मुस्लिम मेन द्वारा कंटिन्यू करी जा रही थी, इसीलिए इट वॉज द नीड ऑफ द आवर कि हमें इसे इलीगल डिक्लेयर करना पड़ा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि देखिए हमने एमपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज की क्योंकि हमें लगा, वी फेल्ट कि कुछ प्रेलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए इससे पहले कि हम एफआईआर को रजिस्टर करें। आप जानते हैं कि हम रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, रेसलर्स 7 women wrestlers हैव मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट कि बेसिकली दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किया जाए कि एक एफआईआर दर्ज करें, वो एफआईआर ही रजिस्टर नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे यू नो सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, उन्होंने कहा कि देखिए फ्राइडे को आप जानते हैं पिटिशन सुने जाने वाली है, यानी कि कल। तो लेकिन यहाँ पे यू नो सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि वी फेल्ट दैट देयर वाज अ नीड फॉर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, लेकिन उन्होंने फिर सेम उसी सांस में एक में कहा कि लेकिन फिर भी अगर मिलोटशित आप कहते हैं कि यू नो इमीडिएटली रजिस्टर करनी चाहिए एफआईआर, तो पुलिस वुड डेफिनेटली डू सो, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेफ हैं, ओके, सॉलिसिटर जनरल। लेकिन इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि देखिए अब फ्राइडे को ये केस उठाया जाएगा, मिस्टर सॉलिसिटर अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है जो आप चाहते हैं कि हमें दिखाया जाए, हमें प्रेजेंट किया जाए, हम देखेंगे, बिल्कुल आप लेके आइएगा, क्योंकि ये केस बहुत गंभीर है, इसमें एक माइनर इन्वॉल्व है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी एलिजिडली, वो उस समय 16 साल की थी। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। कपिल सिब्बल जी का कहना है, जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो विमेन रेसलर्स हैं, ऑफकोर्स देखिए ना ही केवल उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए जो इसमें अक्यूज्ड हैं, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह, बल्कि जो जिन पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई एफआईआर ना दर्ज करके, उन्हें भी प्रोसिक्यूट किया जाए। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। अब एक और मैरिज से रिलेटेड चीज, राइट टू मैरी इज नॉट एब्सोल्यूट, लॉज रेगुलेट मैरिज, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है, हम वही सेम सेक्स मैरिज पे अब केंद्रीय सरकार का क्या कहना है। अभी तक अपने पिटिशनर्स ने क्या कहा, कौन कौन से इश्यूज पे डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, अब हम सेंटर की सुन लेते हैं। तो सेंटर ने आर्ग्यू किया है सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए जो राइट टू मैरी है वो एक एब्सोल्यूट राइट है ही नहीं, ओके। तो पिटिशनर्स हमें, हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, सरकार को कंपेल नहीं कर सकते कि एक लीगल स्टेटस दे दो सेम सेक्स मैरिज को, ओके, थ्रू अ जुडिशियल डेक्लरेशन, वो भी पार्लियामेंट से नहीं, जुडिशियल डेक्लरेशन। आई एम टेकिंग अप द टोन ऑफ द आर्टिकल, नॉट दैट माई व्यूज आर वॉट, जो भी यहाँ लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, क्या व्यूज हैं वो यहाँ मैटर भी नहीं करते, बट आई एम जस्ट पिकिंग अप द टोन ऑफ द आर्टिकल सो दैट यू फील ओके यू आर रीडिंग इट। द राइट टू मैरी डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कंपेल द स्टेट टू इंक्लूड अ न्यू, मतलब आप राइट टू मैरी और स्पेशली ये नहीं कहता कि आप स्टेट को ये फोर्स कर दो कि एक नई डेफिनेशन ऑफ मैरिज बना दो, ठीक है। और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि राइट टू मैरी तो हेटेरोजिनस या फिर जो हेटेरोसेक्सुअल यू नो कपल्स हैं उनको भी नहीं है, तो उनके लिए एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो आपके लिए कैसे हो सकते हैं। अगर राइट टू जो ऑटोनमी है इस मैरिज के स्फीयर में होती तो कैसे डिवोर्स में भी केंद्रीय सरकार है, है ना, या सरकार आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी डिवोर्स के मैटर्स में भी कि इस तरह से डिवोर्स होना चाहिए, ये ग्राउंड है डिवोर्स का, तो वो सरकार नहीं लिखा है ना। तो हर चीज में जब आपको सरकार दिख रही है तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ऑटोनमी नहीं है आपके पास। होल्ड ऑन प्राइवेसी,
लॉ प्रिस्क्राइब दैट मैन शुड मैरी, जैसे कि लॉ कहता है कि एक आदमी को शादी करनी है 21 साल के बाद, 21 साल हो के आप बालिग बन जाते हैं शादी करने के लिए, और एक वुमन के लिए 18 ईयर्स. तो द लॉ रेगुलेट योर ऑटोनमी, मतलब शादी तो आपका अगर ऑटोनमी होती तो आप 5 साल में शादी कर लेते, है ना. जब हमने कहा है कि 21 साल एक आदमी के लिए और 18 साल एक औरत के लिए, तो मतलब हमने बता दी ना कि ये एज है, तो मतलब घुस गए हम ऑटोनमी में, है ना. तो वैसे ही उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. बायगेमी इज एन ऑफेंस, मतलब हम यहाँ पे भी आ गए कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप मैरी कर सकते हैं, हमने बताया हुआ है. तो यहाँ पे भी राइट टू मैरी एब्सोल्यूट नहीं है. फिर हम यहाँ पे आप यू नो डिवोर्स, हम डिवोर्स में भी हैं कहीं ना कहीं, आपको मिल जाएंगे कि जैसे यहाँ लिखा है इंपोर्टेंस, अगर आप फर्टाइल नहीं हैं, ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का, तो ये हमने ले डाउन किया हुआ है और ये एक पर्सनल इशू है. जब हम पर्सनल इशू में भी इन्वॉल्व हैं तो यहाँ ऑटोनॉमी कैसे दे दें हम, ओके. बट इफ इट इज अ ग्राउंड यू हैव टू स्पेल इट आउट इन द कोर्ट, ओके. ही आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि देखिए इन अ जजमेंट, ओके, would conceive the way all these provisions would apply to. तो ये उन्होंने कहा कि सारे provisions कैसे same sex marriage पे apply करेंगे. There are a lot of provisions, okay. Mr. Mehta said a mere judicial declaration recognizing same sex marriages would not be enough. The fallout of such a declaration would be too numerous, varied and complex for the court. The Solicitor General said the legal recognition of same sex marriage by making special marriage act gender neutral should ideally be debated in parliament. क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, क्या इफेक्ट होगा, कितने लॉज अफेक्ट होंगे, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा. आप होंगे सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग, हम इसको नहीं डिनाई करते, वाइजेस्ट ऑफ द पीपल आर सिटिंग ऑन द बेंच, बट स्टिल यू डोंट नो व्हाट द पॉपुलेशन वॉन्ट्स, ओके, लेट अस डिस्कस इट. तो ये चीज यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं. साथ ही में जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 को प्रिपेयर करके जाइए अपने मेंस के परस्पेक्टिव से, ठीक है. तो फिर यू नो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि जब हम ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 लेके आए, तो ये पार्लियामेंट का रिस्पांस था टुवर्ड्स नवतेज सिंह जौहर 2018 की जजमेंट. तो जो टर्म है ट्रांसजेंडर पर्सन, है ना, तो जब हमने उसको डिफाइन किया तो उसमें सारे जो स्पेक्ट्रम्स ऑफ LGBTQIA+ कम्युनिटी है वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है. तो देर आर 72 शेड्स और स्पेक्ट्रम और वेरिएशंस, राइट. सो हाउ विल यू, आप भी कैसे बता देंगे कि सारी सिचुएशंस पे आपका स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि सिचुएशंस ही बहुत अलग अलग हो सकती हैं. आपको हर किसी केस के बारे में पता है, क्योंकि नल जेंडर भी है, फ्लूइड जेंडर भी है. तो इनफैक्ट ये पार्लियामेंट के लिए भी एक बहुत टीडियस टास्क होगा. तो आपकी एक सिंगल जजमेंट तो डेफिनेटली इसको नहीं डील कर सकती. तो बेहतर यह है कि आप कुछ मत करें, ठीक है. और वही यू नो उन्होंने रिलीजन्स के बारे में कहा है कि सारे रिलीजन्स हेटेरोसेक्सुअल यूनियन को ही मैरिज मानते हैं, और यू नो बहुत ही फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसके सेंटर पे लाए करता है हेटेरोसेक्सुअल यूनियन या मैरिज का कॉन्सेप्ट. साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए, हम ये जब आप पढ़ते हैं तो सुपर लेजिस्लेटर. तो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं देखिए कोर्ट, मिस्टर कोर्ट, प्लीज यू डोंट बिकम सुपर लेजिस्लेटर, के लेजिस्लेटर से भी ऊपर आप हो गए हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं. India intends to make healthcare affordable for the whole world, Modi. तो यहाँ पे basically क्या है, Prime Minister Narendra Modi ने कहा है अपनी एक One Earth, One Health Advantage Healthcare India 2023 मीट पे, उन्होंने कहा है कि देखिए भारत का गोल ये है कि हम हेल्थ केयर को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाए, ना ही केवल अपने citizens के लिए बल्कि सारे संसार के लिए, ओके. तो उन्होंने बताया कि देखिए कई लोग समझते हैं, बहुत ही नैरो डेफिनेशन है कई लोगों की हेल्दी होने की, उनको लगता है कि अगर आपको कोई इलनेस नहीं है तो आप हेल्दी हैं, लेकिन हम इसके बियॉन्ड सोचते हैं. और बिल्कुल सही है, हमारा कॉन्सेप्ट हेल्थ का या वेल बीइंग का बहुत अलग है. फ्री ऑफ डिसीजेस तो एक केवल एक स्टेप है ना. गोल तो वेलफेयर, वेलनेस, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर संपूर्ण रूप से वेलनेस इज एक्चुअली हेल्दी होना, ओके. तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, मैत्री इनिशिएटिव हमने कैरी आउट किया, तो हमने संसार के लिए प्रोड्यूस की वैक्सीन एंड ऑल ऑफ दैट. पीएम लॉज शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र एंड तमिलनाडु, सौराष्ट्र और तमिलनाडु की आप जानते हैं संगमम चल रहा है, जैसे यू नो काशी तमिल संगमम था वैसे ही. जब देखिए आप टूरिज्म पे या कल्चर पे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पे आंसर लिख रहे हैं तो आप एक भारत श्रेष्ठ भारत तो लिखेंगे, वन इंडिया बेस्ट इंडिया, पर उसमें रीसेंट जो चीज़ें हो रही हैं, अंबेडकर सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट,
देखो हमारा देश, देखो हमारा गांव, बहुत सारे ऐसे काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम, तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आप मेंशन करेंगे। तो अगर हम देखें काशी तमिल संगमम को तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, सेंचुरीज अगो क्या हुआ था, इन्वेजन हुई थी, आप जानते हैं सोमनाथ टेम्पल, गुजरात वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट है ना। तो अगर हम 600 से 1000 साल पहले की बात देखें तो बहुत सारे लोग फोर्स हो गए इन्वेजन्स, रिपीटेड इन्वेजन्स की वजह से, कि उन्हें माइग्रेट करना पड़ा गुजरात के सौराष्ट्र के रीजन से कहाँ, तमिलनाडु में। तो वो मदुरई के आसपास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जाकर सेटल हो गए। तो बेसिकली ये जो तमिलियंस हैं ये क्या है, गुजरात ओरिजिन, गुजराती ओरिजिन के तमिलियंस हैं। ओके, तो वो सारे आज तमिलियंस ने वापस ट्रैवल किया है, उन्होंने अपने रूट्स को दोबारा जाना है। तो इट्स डेफिनेटली, देखिए जब हम सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना, तो हम फूड सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी, तो एक तो कल्चरल सिक्योरिटी भी है ना, कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, उसको सिक्योर करें, तो वो ये करने की कोशिश करता है। ओके, और आप जानते हैं ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी गई होंगी, सोमनाथ, द्वारका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत जगहों पे इसे इवेंट को कंडक्ट किया गया, फेस्टिवल था है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इनको लोगो देखेंगे ना, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग है ना, तो आप जब लोगो देखेंगे, देयर इज अ वुमन इन द मिडल और इन द सेंटर। तो जो वुमन है वो बेसिकली जैसे आप अर्धनारीश्वर के केस में देखते हैं, एक साइड दूसरी साइड अलग है ना, तो उसमें क्या है, वैसे ही यहाँ पे जो वुमन है, एक उनकी भरतनाट्यम की ड्रेस है, विच ऑफ कोर्स सिंबलाइजेस तमिलनाडु, और एक साइड उनका जो राइट साइड है वो उन्होंने गरबा की ड्रेस यानी कि वो लहंगा चोली पहनी है, और वही जिस साइड में लहंगा चोली पहनी है उस तरफ के जो हाथ है उसमें डांडिया है, और जिस तरफ में उन्होंने भरतनाट्यम का पोज किया हुआ है उसमें वो हाथ जोड़े हुए भरतनाट्यम का पोज दिखेगा आपको। तो ये संगमम को डिपिक्ट करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बैकग्राउंड में हमारा नेशनल फ्लैग का कलर है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे, और जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हैं, इट्स द मर्जर ऑफ सिल्क फैब्रिक एक्सपर्टीज जो तमिल की है, ओके, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात की है, तो ऐसे उन्होंने कॉन्फ्लुएंस करते हुए दिखाया है, विच इज वेरी ब्यूटिफुल। तो सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।